बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कई जगह से उठ भी रहा है और ये सवाल हमें पूछना भी चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल वो लोग भी कह रहे हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में यकीन कर रहे हैं, और वो भी जानना चाहते हैं जो दरअसल पॉलिटिकल राजनीति के कीड़ा है, और हम भी जानना चाहते हैं कि डीके शिवकुमार कर्नाटक पीसीसी के प्रेसिडेंट है, बहुत मेहनत उन्होंने की है, और आज जब वो मीडिया के सामने आए तो आंखों से आंसू निकल पड़े, रो भी रहे थे एक तरीके से। दूसरी तरफ सिद्धरमैया है जिनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो क्या कांग्रेस पार्टी सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच में किसी एक का चयन कर पाएगी, या इस बार झगड़ा होगा जैसे कि राजस्थान के अंदर झगड़ा चल रहा? आशु, मुझे नहीं लगता कि इतना ओपनली राजस्थान के तर्ज पर इस तरीके का कोई झगड़ा होगा, क्योंकि जो भी अगर कांग्रेस को ये सेंस था कि कांग्रेस इज गेनिंग ग्राउंड, उसको क्लियर एडवांटेज था, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक बेसिक एक अग्रीमेंट बन चुका है। और जो मुझे पता चल रहा है कि शायद सिद्धरमैया के नाम पर ही मुहर लगेगी सीएम को लेकर, लेकिन फॉर्मूला क्या बनता है 2.5 ईयर्स में, रोटेशनल सीएम वाला या फिर चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाला, इसको लेकर अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि क्या फॉर्मूला निकलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको इतना ओपनली कोई एक रिबेलियन ऐसा यहां से दिखेगा, क्योंकि ये कांग्रेस को भी पता है कि उनके लिए बड़ा टेक अवे इस कर्नाटका की जीत से क्या निकला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत डिफिकल्ट सवाल है, इसको किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस सुलझा लेगी, और मुझे लगता है एमिकेबली सुलझाएगी। अगर डिफरेंसेस होंगे भी, जो कि हमें कैंपेन के दौरान भी नजर आए थे कि ऑन ग्राउंड डिफरेंसेस थे सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच में, लेकिन ऑप्टिकली वो प्ले आउट नहीं हुए और पूरी टीम ने उसको प्ले आउट नहीं दिया, तो यही चीज मुझे लगता है कि सीएम के चयन में भी होगी। लेकिन जो एक और बहुत जरूरी बात है जो यहाँ पर बात करनी बहुत जरूरी है, अभी आप 2024 की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ठीक है जो असेंबली इलेक्शंस हैं और जो नेशनल इलेक्शंस हैं उसके पिच और नैरेटिव में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि मोदी जी को ये भी समझ में आ गया होगा और बीजेपी को भी ये समझ में आ गया होगा कि जो उनकी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हर राज्य में आप जाएंगे और हिंदुत्व का ढोल बजाएंगे और वो ढोल सुनने के लिए सब लोग आ जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं कनाडिगास की मैच्योरिटी दिखती है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर आती है कि किस तरीके से उन्होंने सारे इश्यूज को हैंडल किया। अभी जब ये बात कही जा रही थी जो अभी कार्तिकेय कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपना कैंपेन बहुत पहले शुरू किया, तो यहाँ पर एक डेडलाइन को मेंशन करना जरूरी है। मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले भी आपसे ये बात कही थी, लेकिन आज उसको दोहरानी भी जरूरी है कि जब हिजाब हलाल और अजान को लेकर जब कैंपेन विग्रस हो रहा था, और ये समय है जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 के बीच में, उसी समय कांग्रेस ने अपना ये 40% सरकारा वाला जो पूरा कैंपेन है उसको बिल्डअप करना शुरू कर दिया था, इट वॉज ऑलरेडी रोलिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये उस समय का एडवांटेज है जो साल भर बीता, उसमें फिर कई केसेस आए, फिर MLAs को देखा हमने कि किस तरह से उनके बेटे ने के पास से कैश पकड़ा गया, तो और हर चीज में उन्होंने करप्शन को पॉइंट आउट किया, चाहे वो मट्स का हो, चाहे फिर स्कूल लेवल पर हो, हर लेवल पर कांग्रेस ने उसको पॉइंट आउट किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्लान किया था, और इट वॉज अ वेरी वेल टाइम्ड कैंपेन, और ये वाकई में एक मिसाल बनेगा, एंड इट्स गोइंग टू बिकम आई थिंक अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट एज फार एज द 2024 इलेक्शंस इज आल्सो कंसर्न। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी आज कांग्रेस ऑफिशियली जय बजरंग बली की क्लेमेंट बन गई। अगर आपने देखा हो, आज कांग्रेस ने आज वो दृश्य दिखाया जो आम आदमी पार्टी ने 2020 में किया था कि आपके पास जय श्री राम तो हमारे पास जय बजरंग बली, और आपने जय बजरंग बली को यूज किया और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये लगेगा आगे जाकर, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप तो इस बारे में बात नहीं करेगी, लेकिन क्या ग्राउंड वर्कर्स इसको लेकर एक काट ढूंढ पाएंगे लोकल हिंदुत्व नैरेटिव की? बहुत ब्रीफली मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जब बजरंग दल का बैन का जब अनाउंसमेंट आया था तो उस समय यही कहा जा रहा था कि ये तो पूरा चुनाव पलट गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां से एक दूसरा मोमेंट शुरू हो गया है कि बीजेपी की एक बाइनरी चलती थी कि एक हाथ में डेवलपमेंट का
वो एश्योरेंस देते थे और दूसरी तरफ वो हिंदुत्व और बाकी पोलराइजिंग इश्यूज की बात करते थे. तो जो रिवर्स पोलराइजेशन उसके बाद हुआ है, जिससे कि मुस्लिम कंसोलिडेशन विच केम इन फेवर ऑफ कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस भी इस बात को क्लेम कर सकती है कि भाई हम भी दो बाइनरीज लेकर चल रहे हैं, एक जो कि रीचिंग आउट टू द मुस्लिम्स और दूसरा जो रिलीजियस सिंबल्स का सहारा लेना, रिलीजियस पोलराइजेशन की बात करना. तो कांग्रेस इज ऑल्सो बिकमिंग एन इक्वल क्लेमेंट लाइक बीजेपी टू इट. बिल्कुल, बट मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब बजरंगबली का मुद्दा आया था तो अकेली नीलू थी जिन्होंने कर्नाटक से वापस लौटने के बाद और वहां से लगातार ये कह रही थी कि ये एक ट्रैप था जो जो कांग्रेस पार्टी ने ले किया और जिससे भारतीय जनता पार्टी सिर के बल जाके गिर पड़ी. और जिससे जितना उन्होंने बजरंगबली के प्रश्न को खड़ा किया उतना ही मुस्लिम कंसोलिडेशन मैसूरी के इलाके में वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ और उसमें जनता दल सेक्युलर को नुकसान हुआ. और जब नीलू यह बात कह रही थी तो हम लोगों को जो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए तो उतना यकीन नहीं हो रहा था. मैं बड़ी ईमानदारी से इस बात को कन्फेस करना चाहता हूँ, बट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट नीलू कि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ और बहुत ही कन्विक्शन के साथ इस बात को न केवल रखा बल्कि लगातार इसको रिपीट किया. तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट नीलू कि आपने जो बात कही थी और उसका असर मैसूरी में दिखाई पड़ रहा. विनोद जी आपके पास आऊंगा, लेकिन विनोद जी आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप क्या कोई सिद्धरमैया के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के बारे सोच भी रही है या बहुत स्मूथली सब कुछ हो जाएगा? नहीं, एक बात तो पहले मैं ये कह दूं, जो ये बजरंग दल वाला मामला था इस पर मैंने भी एक चैनल पर और शायद satyamdi.com पर या अनिल त्यागी के चैनल पर Z5 पर मैंने एक बात कही थी. और वो बात मैंने ये कही थी, मैंने कांग्रेस के एक नेता से बात की थी जो कर्नाटक के मामलों से जुड़े हुए थे. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप लोगों ने क्या कर दिया, सेल्फ गोल क्यों कर दिया भाई, ये बजरंग दल लिखने की क्या जरूरत थी, आप खाली लिख देते कि भाई जो तो संगठन इस तरह की गतिविधि करेंगे जो नफरत फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. तो उनका जवाब मालूम क्या था, उनका था क्या आप लोग हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या? तो उन्होंने क्या मतलब, बोले ये झटके में नहीं हुआ है, कोई सेल्फ गोल नहीं है, ये हमने बहुत कैलकुलेट करके सोच समझ करके एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी इसको डाला है. तो मैं और चौंका, मैंने क्या मतलब है, बोले मतलब ये है कि जो JDS बंटवारा करता है माइनॉरिटी वोट का वो इससे कंसोलिडेट हुआ हमारे पक्ष में. और दूसरा तो हमने कहा हिंदू, बोले आप यूपी से मत तुलना करिए, कर्नाटक में बहुत बड़ी तादाद है खासकर शहरों में हिंदुओं की, नॉन मुस्लिम्स की भी, उसमें क्रिश्चियंस भी है हिंदूज भी है, जो बजरंग दल की तमाम हुड़दंगों से और उनकी गतिविधियों से परेशान रहते हैं, बोले वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे. और वही हुआ. मुझे लगता है कि बस खाली बीजेपी को बजरंग दल वाले मामले का कोस्टल में थोड़ा सा, वरना कोस्टल में भी बीजेपी और नीचे आती. कांग्रेस जो 6 पे गई है, अगर बजरंग दल जो कार्तिकेय कह रहे हैं तो जो 13 सीटें जो जीती है बीजेपी ने, तो शायद कांग्रेस की 10 हो जाती, वहां पर 4 सीटें और बढ़ जाती, बीजेपी और नीचे आती. तो खाली कोस्टल में जरूर, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 इलाका है, वहां पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बहुत होती है. तो वो अब जो आपने सवाल किया मैं उस पर आ रहा हूँ. दूसरा कार्तिकेय, एक चीज में आपको बताऊं, आपने कहा कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप शायद बजरंग बली की बात न करे, ऐसा नहीं है. राहुल गांधी का पहला जो ट्वीट आया है कांग्रेस के हैंडल से वो गदा लिए हुए आया है. जो चुनाव के बाद जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा और वाला जो कांग्रेस के हैंडल से जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें गदा लिए हुए हैं हनुमान जी वाली. तो टॉप लीडरशिप अब उससे निकल चुकी है, उससे कि अरे ऐसा करेंगे तो ये होगा. और इसका एक और नैरेटिव भी बनेगा कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से इसका मैसेज जो गया है अमंग द माइनॉरिटीज या सेकुलर, चाहे उसमें हम जो तमाम सारे हिंदूज भी जो सेकुलर है, कि भाई अब हेड ऑन लेना चाहती है इस तरह की पॉलिटिक्स को, ये भी एक मैसेज उससे गया है. जो आपने कहा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अच्छा एक और बड़ा अच्छा मीम चल रहा है इस समय, वो मीम ये चल रहा है कि अब देखिए मेरी दिलचस्पी जानने में कि जीके सुकुमार बनेंगे या फिर सिद्धरमैया बनेंगे. नहीं, देखिए आप तो टेलीविजन में रहे, आखिर में बताते हैं रिजल्ट, आप पहले आप हाइप क्रिएट करते हैं. तो हम तो मीम ये चल रहा है कि उसमें ऊपर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और एक शायद प्रियंका गांधी की तस्वीर है और नीचे है मोदी जी की, नड्डा जी की और अमित शाह की. और ऊपर लिखा हुआ है कि बजरंग बली वाले जीत गए और नीचे लिखा बजरंग दल वाले हार गए. तो कर्नाटक से की जनता ने कम से कम उत्तर भारतीयों को समझा दिया है कि बजरंग बली अलग है, बजरंग दल अलग है. तो ये स्पिरिट. हाँ, अब मैं आप देखिए, मेरी जहां तक जो मेरा असेसमेंट भी है, थोड़ी बहुत थोड़ी घनी सूचना भी, जानकारी भी ये कह सकते हैं, वैसे तो पार्टी में कल क्या होगा और फाइनली क्या होगा ये तो अभी बारे में, अभी
शुरुआती तौर पर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और डीके शिवकुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या तो वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, उनके लोगों को अच्छे मंत्रालय मिलेंगे और कुछ और उनकी भूमिका बढ़ेगी और उनको भविष्य का कर्नाटक का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा आगे के लिए, क्योंकि सिद्धारमैया की एज भी जो है ज्यादा है और 2024 में अगर ये इनकी दोनों की एकता और इस तरह से बना रहा मामला और कर्नाटक में अच्छे परिणाम आए और केंद्र में कोई गैर कांग्रेस की सरकार बनती है, जो एक गैर कांग्रेस कर गया बीजेपी सरकार अपोजिशन की लेड बाई कांग्रेस, तो हो सकता है सिद्धारमैया को फिर केंद्र में लाकर डीके शिवकुमार को कमान सौंप दी जाए। कुछ इस तरह के फार्मूले पर चर्चा और बातचीत विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो फर्स्ट फैमिली है, प्रथम परिवार, वो डिवाइडेड है इस मसले पर। राहुल गांधी की पहली पसंद सिद्धारमैया है, उन्हीं के हस्तक्षेप से 2013 में भी वो बनाए गए थे, और प्रियंका जी की पसंद डीके शिवकुमार है। लेकिन आपस में सहमति बनेगी और उसके बाद तो कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद शुरुआती दौर पर, क्योंकि सिद्धारमैया तो डिप्टी सीएम बन नहीं सकते, वो देवेंद्र फडणवीस तो है नहीं, वो सिद्धारमैया है, मास लीडर है और वो किसी की कृपा पर नहीं है, तो वो अगर बनेंगे तो सीएम ही बनेंगे और उसके बाद डीके शिवकुमार को हो सकता है मिनिस्ट्री में भी या डिप्टी सीएम बनाया जाए, कुछ अच्छे पोर्टफोलियो दिए जाए और इस आश्वासन के साथ कि भविष्य उनका है। ठीक है विनय जी, सॉरी मैं आपको सबसे अंत में आया, आप भी जो इंटरव्यू कर बताइए। नहीं, मैं केवल एक चीज ऐड करना चाहिए, मेरा कोई विश्लेषण या कंफर्म बात मैं नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में दो प्रश्न है। मेरे हिसाब से बजरंग दल वाले मसले पे अगर, और बिल्कुल सही कहा विनोद जी ने भी और नीलू ने कि ये कांग्रेस का एक ट्रैप था जिसमें बीजेपी घुस गई, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बिछाए गए इस ट्रैप के बाद अब ये कांग्रेस के लिए ट्रैप बनने वाला है जब इस पे निर्णय लेने का वक्त आएगा। क्योंकि मेरा ऐसा ये मानना है कि जब ये निर्णय लेना का जब वक्त आएगा, उस निर्णय का असर कर्नाटक की राजनीति के बाहर भी होगा और इसलिए कांग्रेस इसके बारे में विचार करेगी। क्योंकि देखिए राज्य में इस पॉलिटिक्स का फायदा हुआ कोई दो राय नहीं, लेकिन बजरंग दल जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का, को भुनाने की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बीजेपी को और राज्यों में भी हो सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए ये डिसीजन आसान नहीं होगा, इन्होंने वादा तो किया है मैनिफेस्टो में, लेकिन क्या वो एक्चुअली ये डिसीजन ले पाएंगे ये देखने वाली, ये दिलचस्प बात होगी। मतलब ये मेरे को पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने वही एस्केप रूट रखा है क्योंकि उन्हें भी पता है, क्योंकि उन्हें भी ये पता है ये एस्केप रूट इफ नीडेड का इसीलिए है उसमें, क्योंकि उन्हें ये पता है कि असल में बैन कर देना उसका इम्पैक्ट नहीं। और आज तो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन्स इस बात को कह ही रहे थे कि हमने तो बैन की बात की नहीं, वी जस्ट सेड कि वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट बजरंग। उनका एस्केप रूट ये है कि हम वो नौबती नहीं आने देंगे कि बैन लगाने के ऊपर पहले एक्शन लेंगे। मान लीजिए बजरंग दल के कुछ लोग हड़दंग करते पकड़े गए कर रहे हैं तो उनको पकड़ के पुलिस उठाने जेल में कर देगी, जो कि अभी नहीं किया जाता है बीजेपी सरकारों में। बट विनय जी आपको क्या लगता है, क्या डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या सिद्धारमैया को? नहीं देखिए, मैं हालांकि मैं इस चुनाव में कर्नाटका नहीं गया, लेकिन मेरे को इतना जरूर थोड़ी बहुत जो जानकारी है कर्नाटका में पहले जब कभी गया हूं कि सिद्धारमैया इवन अमंग्स द कांग्रेस कैडर ज्यादा पॉपुलर हैं पब्लिक के बीच में, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी में कोई डाउट नहीं। तो अगर कांग्रेस ऐसा डिसीजन लेती है कि सिद्धारमैया की जगह डीके शर्मा को बना देती है तो ये अनपॉपुलर होगा, ना कि खाली पब्लिक में बल्कि कैडर में भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा वाइज डिसीशन है। एक्चुअली इसमें विजडम चेक होगा डीके शिवकुमार का, जैसे विजडम चेस्ट टेस्ट हो रहा है सचिन पायलट का, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में एक सुसाइडल पाथ पे निकले हुए हैं, अपनी ही पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, किसी और का फायदा नुकसान नहीं होना इसमें। बीजेपी को वहां पर जिताने का श्रेय सचिन पायलट को ही मिलेगा अगर इस तरीके से उन्होंने चालू रखा अपना। मुझे नहीं लगता कि डीके शिवकुमार उतने इमेच्योर हैं जितनी इमेच्योरिटी शायद सचिन पायलट दिखा रहे हैं। मेरे को लगता है डीके शिवकुमार बड़े मेच्योर पॉलिटिशियन है, जमीनी हालत को समझते हैं और वेट आउट करना जानते हैं, और असली पॉलिटिशियन वही होता है जो वेट आउट करना जानता है, क्योंकि सिद्धू ने वेट आउट करना नहीं समझा और इसीलिए नुकसान उठा गए पंजाब के अंदर। वही वेट आउट करना एक चीज और है जो कल सीएलपी की मीटिंग के पहले ही अगर आज आप देखें तो सोशल मीडिया पर और हर जगह ऑलरेडी ये खबरें फ्लोट करने लगी हैं कि डीके शिवकुमार को अब तेलंगाना में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी क्योंकि उन्होंने डिलीवर करके दिया है कर्नाटक, तो तेलंगाना के लिए उनका नाम ऑलरेडी चल पड़ा है। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कल क्या होगा, किस नाम पे मुहर लगती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।